नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तोगी। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां स्कूल में छात्रों के हाथों में बंधी राखी कटवाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इस बुलेटिन में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आला हजरत के उर्स की तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसने क्या कहा है। बुलेटिन में आपको ये भी बताएंगे कि कहां खाकी वर्दी पहने लोगों के युवक को आधी रात को उठा ले जाने पर थाने का घेराव हुआ। साथ ही हापुड़ में लाठीचार्ज की घटना को लेकर वकीलों ने किस तरीके से अपना विरोध जताया है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। उर्से रजवी की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। मिशनरी स्कूल ने हाथ में बंधी राखी कटवाई, हिंदू संगठनों का हंगामा। खाकी वर्दी पहने लोगों पर युवक को अगवा कर ले जाने का आरोप, हंगामा। हापुड़ में लाठीचार्ज को लेकर वकीलों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। स्कूली छात्राओं ने आईजी को बांधी राखी, गिफ्ट में मिली चॉकलेट। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। उर्से रजवी की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। 105वें उर्से रजवी की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसएसपी घुले, सुशील चंद्रभान समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभानी मियाँ व सजदा नशीन मुफ्ती अहसन मियाँ की ओर से प्रतिनिधि मंडल भी बैठक में शामिल रहा। बैठक में डीएम से मुफ्ती सलीम नूरी ने मांग करी कि बरेली में एक द्वार आला हजरत के नाम से भी बनाया जाए। इसके अलावा 12 सितंबर कुल शरीफ के दिन अवकाश घोषित किया जाए। बता दें कि 10 सितंबर को उर्स का आगाज परचम कुसाई से होगा। उससे पहले परचम कुसाई का जुलूस निकलेगा। उसी दिन जुलूस के रूट से गंगा महारानी की शोभा यात्रा भी निकलेगी। इसे लेकर मीटिंग में चर्चा की गई। तय हुआ कि दोनों जुलूसों में लगभग 2 घंटे का अंतर रखा जाएगा। मीटिंग में दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी, औरंगजेब नूरी, शाहिद नूरी, परवेज नूरी, अजमल नूरी आदि लोग भी मौजूद रहे। मिशनरी स्कूल ने हाथ में बंधी राखी कटवाई, हिंदू संगठनों का हंगामा। आमला के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों के हाथों में बंधी राखी कटवाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। इंस्पेक्टर आंवला को इसकी सूचना मिली तो वह चौकी इंचार्ज के साथ फोर्स लेकर स्कूल पहुंच गए। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को समझाकर शांत कराया, फिर दोनों पक्षों ने बैठकर बात करी। वे हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का कहना था कि स्कूल में इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधन का कहना था कि उनका इरादा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, सिर्फ स्कूल के नियमों को फॉलो कराया गया। भारी हंगामे के बाद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी। बातचीत से मामला हल होने पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करी है। खाकी वर्दी पहने लोगों पर युवक को अगवा करने का आरोप, हंगामा। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली में वर्दी पहने 5 लोग घर में अकेले सो रहे धर्मेंद्र कश्यप को 29 अगस्त की देर रात 1 बजे कार में बैठाकर साथ ले गए। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक सभी जा चुके थे। सूचना पर परिजनों ने सुभाष नगर और कैंट पुलिस से जानकारी की तो उन्होंने युवक को हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। बुधवार को युवक की बरामदगी को लेकर पिता सुरेश कश्यप समेत दर्जनों ग्रामीण सुभाष नगर थाना पहुंचे और थाने का घेराव करा। हंगामा होने पर इंस्पेक्टर ने भीड़ को करगैना चौकी भेज दिया। चौकी इंचार्ज का कहना है कि धर्मेंद्र की शादी होने वाली है, सीडीआर निकाली जा रही है, प्रेम प्रसंग का मामला होने की आशंका है, जांच पड़ताल की जा रही है। हापुड़ में लाठीचार्ज को लेकर वकीलों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट का घेराव करा। वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल करी। इस दौरान जमकर नारेबाजी करी और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें महिला वकील और उनके पिता पर दर्ज मुकदमा निरस्त किए जाने और वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। स्कूली छात्राओं ने आईजी को बांधी राखी, गिफ्ट में मिली चॉकलेट। रक्षाबंधन के मौके पर स्कूली छात्राओं ने बरेली रेंज कार्यालय पहुंचकर आईजी डॉक्टर राकेश सिंह को राखी बांधी। इस दौरान छात्राओं को आईजी ने बधाई दी और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आईजी ने छात्राओं को चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट दी और उनसे मोबाइल से दूर रहने की अपील करी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारा ये बुलेटिन फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।